गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइज आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नायका ब्यूटी एंड स्किन केयर हॉल। और गाइज इस वीडियो की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये एक रिकमेंडेड वीडियो भी है जिसमें मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक ऐसी स्किन वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू दूं जिसको मैं पर्सनली बेस पर यूज कर चुकी हूँ, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो। तो ऐसी क्रीम का रिव्यू आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है, इसकी आप कोई भी क्रीम यूज कर सकते हो। और इस क्रीम को पर्सनली बेस पर यूज कर चुकी हूँ, इसके एम्प्टी जार अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं जिनमें मैंने काफी सारी होम रेमेडीज स्टोर करके रखी हुई हैं। तो गाइज वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती है। बट गाइज ये वीडियो भी थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, आप एडजस्ट कर लेना क्योंकि इसमें मैं काफी सारे प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और एक स्किन वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू भी देने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ी बहुत तो अप डाउन होती रहती है, आप एडजस्ट कर लेना गाइज। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गाइज बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो गाइज वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और गाइज अब कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज ये है नायका के 2 बॉक्सेस जो मुझे नायका से मिले हैं, इनके अंदर है काफी सारे ब्यूटी एंड स्किन केयर प्रोडक्ट। पहले हम एक बॉक्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, 1 by 1 प्रोडक्ट मैं शेयर करने वाली हूँ। स्किन व्हाइटनिंग क्रीम का रिव्यू लास्ट में देने वाली हूँ क्योंकि गाइज वो फिर मैं फुल डिटेल में जाने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, उसको मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी और फुल डिटेल में उसका रिव्यू दूंगी। तो पहले हम ये वाला बॉक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इस वाले बॉक्स को रख देती हूँ साइड में और इसको हम ओपन करेंगे कुछ इस तरह से। ये ओपन होता है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है गाइज। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये बॉक्स लिया था तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि इसको ओपन किस तरह से करना है क्योंकि जो फ्लिपकार्ट वगैरह पर्पल वगैरह के बॉक्सेस होते हैं सीधे यहाँ पर आपको फ्रंट में ही टेप वगैरह मिल जाती है, उसको जरा सा कट करो सीजर वगैरह से तो वो ओपन हो जाते हैं। बट गाइज इसका कुछ स्टाइल अलग दिया हुआ है ओपन करने का, तो हम इसको ओपन करेंगे इस तरह से। और इसमें है काफी सारे स्किन केयर जो आपकी स्किन केयर करने में हेल्प करते हैं एंड मेकअप को ब्लेंड करने में हेल्प करते हैं, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट हैं आप देख सकते हो। तो गाइज पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ट्यूलिप के ये कॉटन पैड्स, इसके 4 पैक मैंने परचेज किए थे और 4 पैक्स में 2 पैक्स मैंने बाहर निकाल के रखे हुए हैं जिनको मैं शॉर्ट वीडियो मेकअप वगैरह की वीडियो शूट करती हूँ तो मेकअप रिमूविंग के मेरे काम आते हैं गाइज। और काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मैंने 100 पीसेस 42 रुपीज के चीपेस्ट कॉटन पैड यूज किए थे फर्स्ट टाइम जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। तो गाइज मुझे ऐसा फील होता था उनको यूज करने के बाद जैसे मैं किसी कपड़े से अपने फेस को रगड़ रही हूँ, तो बिल्कुल भी मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे गाइज। और मैं कुछ ऐसा ही ट्राई करना चाहती थी जो मेरे फेस से मेकअप भी रिमूव हो जाए और काफी ज्यादा सॉफ्ट भी फील हो। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप ट्यूलिप के कॉटन पैड्स यूज कर सकते हो गाइज, एक बार ट्राई करके जरूर देखना, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा मेकअप रिमूविंग में। और गाइज अगर आपका टोनर कुछ इस तरह का है जिसमें स्प्रे का ऑप्शन नहीं है तो इनकी हेल्प से आप टोनर भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट जो आप अप्लाई करना चाहते हो जो लिक्विड बेस में है आप कॉटन पैड की हेल्प से अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज मैं हाईली रिकमेंड करूंगी एक बार इनको ट्राई करके जरूर देखना। 1 पैक के अंदर आपको 50 पीसेस मिल जाते हैं और गाइज एक पैक बिल्कुल भी मत लेना, अगर आप एक पैक लेने जाओगे तो गाइज काफी ज्यादा कॉस्टली आपको पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 2 पीसेस तो जरूर परचेज कीजिए। अगर आप 2 पीसेस ले सकते हो तो 2 पीसेस कीजिए, अगर आप 4 पीसेस ले सकते हो तो काफी सारा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाता है। इनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज हाईली रिकमेंड करूंगी एक बार ट्राई करके जरूर देखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है गाइज ये स्टिक्स जो आपकी मेकअप रिमूविंग में मल्टीपल आप इनको यूज कर सकते हो। आपको पता है आपके कान वगैरह में जो आपके गंदगी वगैरह होती है उसको भी रिमूव करने के काम आते हैं और गाइज आपकी अंडर आईज के नीचे जो काजल वगैरह होता है उसको भी रिमूव करने में काफी ज्यादा हेल्प आपकी ये करते हैं। आपके मेकअप को जो जहां से आप बिल्कुल भी कॉटन पैड्स की हेल्प से या फिंगर
टिप्स की हेल्प से भी रिमूव नहीं कर पाते हो, वहां आप इसका यूज कर सकते हो। मैं इसको काजल रिमूव करने के लिए यूज करती हूँ और गाइस काफी ज्यादा हेल्पफुल है, आप ले सकते हो। और इसके अंदर आपको 100 स्टेम्प्स मिल जाती हैं और 200 टिप्स कॉटन सब्स है ये, और ट्यूलिप्स के हैं ये भी गाइस। और आपको ये 56 रुपीज इस पर अमाउंट दिया गया है, बट गाइस काफी अफोर्डेबल प्राइस में आप नायका से इसको परचेज कर सकते हो। आपको 100 स्टेम्प्स मिल जाते हैं इसके अंदर, तो गाइस ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाती हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी आप ये भी परचेज कर सकते हो। तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस एक बार ट्राई करके जरूर देखना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। तो गाइस नेक्स्ट है ये कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर। गाइस एक बार इसको भी यूज करके जरूर देखना, काफी ज्यादा सॉफ्ट है। मैं इसको पैकेट के अंदर से ही ऐसे पुशअप कर रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है गाइस। और मैंने रियल टेक्निक यूज का ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज किया है, बट गाइस ये इतना सॉफ्ट नहीं है जितना कि ये सॉफ्ट है। और एक और ब्यूटी ब्लेंडर जो मैंने इसके साथ ही परचेज किया था और उसको मैं काफी सारी वीडियोज में ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, आप मेरी शॉर्ट वीडियोज जाकर देख सकते हो। मैंने एक दो लॉन्ग वीडियोज भी जरूर शेयर की है जिनमें मैंने उस ब्यूटी ब्लेंडर का यूज किया है, वो है ये है गाइस गाला ऑफ लंदन ब्यूटी ब्लेंडर। और आप देख सकते हो उसको मैं काफी टाइम यूज कर चुकी हूँ, काफी ज्यादा सॉफ्ट है गाइस। अगर आपने ये वाला यूज कर लिया तो आप बाकी सारे ब्यूटी ब्लेंडर भूल जाओगे। एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखना, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। अगर आपने गाला ऑफ लंदन ब्यूटी ब्लेंडर यूज नहीं किया तो कुछ भी यूज नहीं किया, एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखना। ये इस तरह की पैकेजिंग में मुझे मिला था, इस पे गाला ऑफ लंदन ब्यूटी ब्लेंडर लिखा हुआ है और इसकी जो MRP है 149, बट गाइज इस पर मुझे कुछ ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिला था, 1 या 2 रुपीज ही ऑफ इस पर मुझे मिले थे नायका से। तो आप नायका से इसको भी परचेज कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और इस कलर बार ब्यूटी ब्लेंडर का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसकी MRP मैंने शायद आपको बताई नहीं है गाइज, इसकी MRP क्या है इस पर देख लेते, 199 है। बट गाइज इस पर मुझे काफी सारा डिस्काउंट देखने को मिला था, आई थिंक 159 कुछ ऐसा ही समथिंग ये मुझे मिला है, और इस पर काफी सारा डिस्काउंट अभी भी चल रहा है, आप ले सकते हो। और ये भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है जैसे कि गाला ऑफ लंदन ब्यूटी ब्लेंडर है। तो मैं आई होप गाइज ये भी बहुत अच्छे से आपका मेकअप ब्लेंड करेगा, तो ये भी आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। और ये रियल टेक्निक यूज का मैं ऑलरेडी आपके साथ इसका रिव्यू भी दे चुकी हूँ, मैं एक शॉर्ट वीडियोज में भी मैंने इसको शेयर किया था और लॉन्ग वीडियोज में भी मैं इसका रिव्यू दे चुकी हूँ। ये भी सॉफ्ट है और इजीली आपके मेकअप को ब्लेंड करता है, बट गाइज जब मैं इसको पकड़ती हूँ अपने मेकअप को ब्लेंड करने के लिए तब गाइज ये मुझे काफी ज्यादा हार्ड सा फील होता है और इसको ब्लेंड करते करते मेरे हाथों में भी दर्द होने लगता है। तो मैंने इसको यूज करना बंद कर रखा है, ओनली मैं गाला ऑफ लंदन यूज कर रही हूँ फिलहाल। आप गाला ऑफ लंदन का जरूर ट्राई करना गाइस, हाईली रिकमेंड करूंगी। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बार बार मैं यही बोल रही हूँ वीडियोज में, सॉरी गाइस। अब हम नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है उसमें भी मैं 3 प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बट जो स्किन वाइटनिंग है वो हमारी लास्ट में होने वाली है। तो पहले हम इसको साइड में रख देते हैं गाइस। इसमें है हमारी स्किन वाइटनिंग क्रीम एंड 2 प्रोडक्ट और हैं गाइस जिनको देखकर आप बहुत ज्यादा हैप्पी होने वाले हैं, क्योंकि वो आपके मेकअप में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। मैंने हेल्थ वाले प्रोडक्ट ही आपके साथ शेयर किए हैं और हेल्थ वाले प्रोडक्ट के बिना आपका मेकअप रिमूव करना भी मुश्किल होता है, आपका ब्लेंड करना भी मुश्किल होता है। तो हेल्प वाली वीडियो भी जरूर शेयर करनी चाहिए जिसमें आप काफी सारे प्रोडक्ट हेल्पफुल जो आपके होते हैं वो आपके साथ शेयर करने चाहिए। पता नहीं क्या क्या बोल गई गाइस, आप एडजस्ट कर लेना। तो ये है गाइस पैक के 2 आई शेडो ब्रशेस जो मैंने अभी करंट में इनको मैंने परचेज किया है। आई थिंक ये 3 या 4 डेज इनको हुआ है परचेज किए हुए और इनको मैंने हल्का सा यूज किया है, मैंने ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगी मैंने इनको अपनी सारी वीडियोस में यूज किया या फिर इसके ऊपर मैंने एक 1 वीडियो
आपके साथ शेयर किए हुए नहीं गाइज, ये मैंने फर्स्ट टाइम बस ऐसे ही ब्लेंड करके देखा, वो भी कुछ कलर्स वगैरह लेकर नहीं, ऐसे ही अपनी आईज पर अप्लाई किया और देखा सॉफ्ट है या नहीं है। गाइज हाईली रिकमेंड करूंगी ये पैक के जो आई शेडो ब्रशेज है, और ब्रशेज मैंने अभी पैक के यूज नहीं किए हैं, बट गाइज ये वाले ब्रशेज आपको जरूर लेने चाहिए आपकी आई शेडो ब्रशेज कलेक्शन में, ये वाले ब्रशेज जरूर होने चाहिए। तो गाइज पहला मैं ओपन करके दिखा देती हूँ वीडियो को, गाइज यहां से तो कट करने वाली हूँ, निकल आया गाइज। ये है काफी मिनी सा सॉफ्ट सा ब्रश जो आपकी इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर में आपके आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है गाइज। अगर आप कट क्रीज आई शेडो अप्लाई करने जा रहे हो तो ये वाले आपके पास होने बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो गाइज ये बहुत ही ज्यादा आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा मिनी सा ब्रश है, और ये है 202, इसका जो कोड है ब्रश का 202 है गाइज, आप ले सकते हो। और ये आपके इनर कॉर्नर सॉरी आउटर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर दोनों में आपके आई शेडो को इजीली ब्लेंड कर देता है। अगर आपको क्रीज लाइन पर भी आई शेडो वगैरह अप्लाई करना है तो इजीली आपका इससे ब्लेंड हो जाता है गाइज, ये बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। और पैक के ब्रशेज बहुत ही ज्यादा फेमस भी हैं गाइज, और ये इस वजह से फेमस नहीं है कि ये ब्रश काफी ज्यादा कॉस्टली है, नहीं गाइज क्योंकि इनका वर्क काफी काफी ज्यादा अच्छा है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी आप एक बार पैक के ब्रशेज जरूर ट्राई करके देखना। तो ये है 202 और गाइज ये है 203, इसका भी मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, ओपन वाला कट कर देते हैं गाइज। फाइनली गाइज ये अपनी गुफा के अंदर से निकल चुका है, मैं इसको पैकेजिंग नहीं बोलने वाली, ये गुफा ही है गाइज। इसमें से इस ब्रश को निकालना काफी ज्यादा टफ है, ये भी एक टास्क हमारे लिए हो जाता है क्योंकि इसकी पैकेजिंग है जो चिपकू चिपकू सी है, उसके अंदर ये ब्रश भी चिपका रहता है। तो गाइज फाइनली ये निकल के आ चुका है अपनी गुफा के अंदर से, और ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है, इसके जो ब्रिस्टल्स हैं काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा स्मूथ सॉफ्ट फील हो रहा है और इजीली आपकी आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए हेल्पफुल है गाइज। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ अगर आपने पैक के आई शेडो ब्रशेज यूज नहीं किए तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना गाइज, कॉस्टली तो है बट गाइज आपका लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर आप कोई भी सस्ता या चीपेस्ट आई शेडो ब्रशेज वगैरह लेने जाते हो तो गाइज वो आपके इतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं, आप बार बार आपके जो इनर कॉर्नर है या फिर आउटर कॉर्नर है उनमें आपका जब ब्रश से ब्लेंड करते हो तो वो इधर से उधर हो जाता है, तो इसलिए आप पैक के ब्रशेज बिल्कुल जो इनकी जो इनका वर्क है, अगर आउटर कॉर्नर का वर्क है तो आउटर कॉर्नर के हिसाब से इनको बनाया गया है, और अगर आपका सेंटर वाला है तो सेंटर के हिसाब से इनको बनाया गया है। आप देख सकते हो बिल्कुल नहीं आपको छोटा मिलेगा नहीं आपको बड़ा मिलेगा, जिस हिसाब से जिस कॉर्नर में आपको आई शेडो को ब्लेंड करना है उसी हिसाब से इनको बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग इनको बनाया गया है। जैसे आपको इसको सेंटर के लिए यूज करना है तो आपको सेंटर में इजीली ये ब्लेंड हो जाता है, आपके आई शेडो को इजीली ब्लेंड कर देता है। फुल आईज पर भी अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो फुल आईज पर भी इसको यूज कर सकते हो, इजीली ब्लेंड करता है आपके आई शेडो को। तो गाइज बहुत ज्यादा सबसे बड़ी बात है अगर आपके ब्रश के ये ब्रिस्टल्स ऐसे हैं जो आपको चुभते हैं जब भी आप ब्लेंड करते हो तो समझ लो वो ब्रश बेकार है, आपको उसको परचेज नहीं करना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है और इसका रिव्यू भी मैंने YouTube पर देखा था तभी मैंने इसको परचेज किया है, और मैं काफी टाइम से ऐसे ब्रशेज चाहती थी जो मेरे आई शेडो को इजीली ब्लेंड कर दे और काफी ज्यादा सॉफ्ट फील हो, तो तब मैंने इनका YouTube पर रिव्यू देखा तभी मैंने इनको परचेज किया, और इसका जो कोड है पैक ब्रशेज 203। तो गाइज ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है, इजिली आपके आई शेडो को ब्लेंड करता है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी पैक के ब्रशेज आप ले सकते हो। महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार, ये वाला काम आप बिल्कुल भी मत करना कि सस्ता ले लो आज आपने ले लिया आपके पैसे वेस्ट गए जब वो आपके अच्छे से ब्लेंड नहीं कर रहे हैं, ऐसा मेरे साथ हुआ तभी मैंने YouTube पर रिव्यू देखा तभी मैंने इनको परचेज किया। तो मैं इनको हाईली रिकमेंड करूंगी एक बार ट्राई करके जरूर देखना, और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना कि ये वाले ब्रशेज आपको कैसे लगे।
जिन्होंने ट्राई किए हैं वो एक बार रिव्यू जरूर देना, इनका कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हमारा देख लेते हैं स्किन वाइटनिंग क्रीम, जिसका रिव्यू ऑनेस्टली आपको देखने को मिलेगा। गाइज वीडियो पता नहीं कितनी लॉन्ग होने वाली है, आई थिंक मुझे बहुत कुछ कट करना पड़ेगा। तो गाइज ये है लोटस ब्रांड की स्किन वाइटनिंग क्रीम, जिसका रिव्यू मैं आज आपको फुल डिटेल में देने वाली हूं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उस सब्सक्राइबर के लिए है जिन्होंने मुझे हाईली रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक स्किन वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू अपने चैनल पर करूं, जिसको मैं पर्सनली बेस पर यूज कर चुकी हूं। तो गाइज इस ब्रांड्स की मैं काफी सारी क्रीम मैं एम्प्टी जार पहले आपको दिखा देती हूं। ये लोटस ब्रांड की मैंने बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम, जिसके मैं काफी सारे जार ऑलरेडी अपने होम रेमेडीज को स्टोर करने के लिए यूज कर चुकी हूं, और वन वाला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, और ये अभी कुछ टाइम पहले ही फिनिश हुआ है। इसमें मैंने गाइज ये होम रेमेडीज मैंने कुछ टाइम पहले ही, एक या दो दिन पहले ही मैंने इसको बनाया था। ये है ऑरेंज पील स्क्रब एट होम, इस ये उसका टाइटल है शॉर्ट वीडियो का। तो गाइज ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपकी स्किन को ग्लोइंग, एंड आपकी अगर कॉम्बिनेशन नहीं गाइज, अगर आपकी स्किन डार्क है या फिर मीडियम स्किन टोन है तो उसके लिए ये बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आप ले सकते हो। मैं क्या रिव्यू देने जा रही थी और क्या देने लगी हूं पता नहीं मेरा भी क्या है। तो गाइज इसका एक जार ये रहा, एंड ये रहा स्किन वाइटनिंग जार। ये स्मॉल पैक है जिसको मैं काफी लॉन्ग टाइम यूज कर चुकी हूं, और तभी मैं इसका ऑनेस्टली रिव्यू आपको देने जा रही हूं। अगर आप अपनी स्किन को फेयर बनाना चाहते हो, या फिर आप अपनी स्किन में अनइवन स्किन टोन है आपकी, आप अपनी स्किन में इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो आप होम रेमेडीज अप्लाई कीजिए। मैं काफी सारी होम रेमेडीज आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आप कहते हो कि मैं फुल वीडियो में इसका ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूं होम रेमेडीज का, तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। बट गाइज अगर आप कोई मेडिकल बेस पर क्रीम वगैरह चाहते हो, मैं आपको ये लाइफ टाइम नहीं बता सकती, क्योंकि लाइफ टाइम आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो भी चेंज होता रहता है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपकी स्किन का जो कॉम्बिनेशन है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती रहती है अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो। तो मैं आपको लाइफ टाइम किसी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए नहीं बोलूंगी, अगर आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो तो होम रेमेडीज अप्लाई कर सकते हो। बट गाइज ये ट्रस्टेड ब्रांड है, और इसका एम्प्टी जार भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये स्किन वाइटनिंग क्रीम आप यूज कर सकते हो और काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेगा आपकी अनइवन स्किन टोन को इम्प्रूव करने में, और अगर आपकी स्किन डस्टी है, डार्क है या फिर मीडियम स्किन टोन है, उसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसका यूज कर सकते हो। लोटस प्रोफेशनल फोटो आरएक्स वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम एसपीएफ 25 आपको मिल जाती है, पीए 3+ है, और गाइज इसकी जो एमआरपी है 665 रुपीज। बट गाइज अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इसको नायका से परचेज किया है, 500 अबव आपको मिल जाती है। बट गाइज 600 में मैंने इसको परचेज नहीं किया है, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज अगर आप कोई स्किन व्हाइटनिंग क्रीम चाहते हो तो आप लोटस ब्रांड की ये वाली क्रीम जरूर यूज करके देखना, आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। बट गाइज हम क्या करते हैं, एक जार एम्प्टी हुआ बट बस दैट्स इट, हो गया। आपको आप 3 या 4 जार इसके यूज करते हो तभी आपको अपनी स्किन पर वर्क देखने को मिलेगा। आपका ये जार जैसे ही फिनिश होने वाला होगा तभी आपको अपनी स्किन पर वर्क देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखना। और गाइस 1 वीक में होम रेमेडीज 1 वीक में 2 बार होम रेमेडीज जरूर अप्लाई कीजिए। मैं उन्हीं सब्सक्राइबर को बोल रही हूँ जिनकी डस्ट की स्किन है, डार्क स्किन है, और जो अपनी स्किन में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, मैं उनको होम रेमेडीज लाइफ टाइम के लिए रेकमेंड करती हूँ। तो
तो गाइस ये वाला आप जरूर ट्राई करना, काफी अच्छा है। और भी बहुत सारे ब्रांड है जो मैंने ट्राई किए हैं और उनके एम्प्टी जार अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं। कभी मैं एम्प्टी जार्स के ऊपर भी एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगी, जिसमें मैं आपको काफी सारी क्रीम्स दिखाऊंगी जो मैं यूज कर चुकी हूं। आप वाओ स्किन साइंस का भी ले सकते हो, जिसकी मैं काफी सारी क्रीम्स यूज कर चुकी हूं। और गाइज ओरिफ्लेम का ले सकते हो, ओरिफ्लेम की ऑप्टिमल क्रीम तो अभी भी मेरे पास रखी हुई है, जिसको मैं डे में यूज करती हूँ। ये हाइड्रेटिंग क्रीम है, इसको मैंने फुल विंटर यूज किया है और आप देख सकते हो इसका अमाउंट बहुत ही थोड़ा सा रह गया है। ये ओरिफ्लेम की ऑप्टिमल्स और हाइड्रेडियंस हाइड्रेटिंग डे क्रीम है, नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स है गाइज। और ओरिफ्लेम स्वीडन, इसकी एमआरपी गाइज काफी टाइम पहले मैंने इसको परचेज किया था, बट एमआरपी वगैरह इस पर तो काफी सारी दी हुई है, बट गाइज काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको किसी भी वेबसाइट पर आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप कोई हाइड्रेटिंग क्रीम चाहते हो डे के लिए तो ये वाली आप ले सकते हो। तो कुछ ऐसी क्रीम मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं और आपकी अनइवन स्किन टोन में भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगी और आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। गाइज मैंने इस क्रीम का टेक्सचर आपके साथ शेयर नहीं किया था, भूल गई थी, बट गाइज मैं ये टेक्सचर भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप देख सकते हो ये इस तरह की व्हाइट क्रीम है, बिल्कुल व्हाइट इसका बेस है। और इसको मैं जरा सा अपने हल्का सा मैंने अपने हैंड पर इसको अप्लाई किया है, देन मैं इसको आपको दिखाऊंगी इसका टेक्सचर कैसा है। तो गाइज इसको जैसे ही आप ब्लेंड करते हो काफी ज्यादा सॉफ्ट फील होता है, काफी ज्यादा लाइट वेट है। ये कॉम्बिनेशन नॉर्मल स्किन एंड ऑयली स्किन वाले इसको ट्राई कर सकते हैं, और ड्राई स्किन वालों को मैं इसको रिकमेंड नहीं करने वाली क्योंकि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। और समर सीजन में ड्राई स्किन वाले भी इसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा मौसम चेंज हो जाता है और समर सीजन में काफी ज्यादा ऑयली फेस हो जाता है, तो आप इस ड्राई स्किन वाले भी इसको समर सीजन में यूज कर सकते हैं। बट विंटर सीजन के लिए अगर आप इसको ड्राई स्किन वाले यूज कर रहे हैं तो गाइज आप अपनी स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट करते रहिए अगर आप इस स्किन वाइटनिंग क्रीम को यूज कर रहे हैं। तो गाइज ऐसा नहीं है किसी प्रोडक्ट पर मेंशन किया होता है कि ड्राई स्किन वाले इसको यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब लिखा होता है नॉर्मल कॉम्बिनेशन एंड ऑयल स्किन, बट ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं लिखा होता, तो बट मैं उनको कहूंगी कि वो इसको यूज कर सकते हैं बट अपनी स्किन को प्रॉपर नाइट में हाइड्रेट करके रखिए। अगर जो आप नाइट में अपनी स्किन को अच्छे से प्रॉपरली हाइड्रेट कर लेते हो तो आपका फुल डे आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है, आपको बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होता है। तो उसको भी ये ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है गाइज, बट आप अपनी स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट करके आपको रखना पड़ेगा। तो गाइज ये ऑल स्किन टाइप मैं इसको बोल सकती हूँ, आप इसको सभी ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन एंड नॉर्मल स्किन वाले। ड्राई स्किन वाले यूज करना चाहें तो कर सकते हैं बट स्किन को हाइड्रेट करना नहीं भूलिएगा। तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी और काफी लॉन्ग टाइम मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, आपको मैं एम्प्टी जार्स वगैरह भी दिखा चुकी हूँ। तो गाइज ये भी मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ आप गाइज, दैट्स इट। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे शेयर किए हैं जो आपकी स्किन केयर में हेल्प करते हैं, जो आपके मेकअप को ब्लेंड करने में हेल्प करते हैं, एंड गाइज आपकी अनइवन स्किन टोन में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, या फिर आपकी डार्क स्किन है उस स्किन में आपकी स्किन को इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो गाइज ऐसे ही प्रोडक्ट आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और काफी लॉन्ग टाइम हो चुका है, मैंने काफी सारी क्रीम्स वगैरह मैं यूज करती रहती हूँ और काफी सारे एम्प्टी जा रहे हैं। ये भी मैंने अंदर से जो होम रेमेडीज मैंने स्टोर करके रखी हुई है वहां से मैंने इन जो ये जार है इनको ढूंढा निकाला, तब मैंने आपके साथ इनको शेयर किया। कभी अगर मुझे आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपने कौन कौन सी क्रीम यूज की है, वो एम्प्टी जार्स हमें शेयर कीजिए, उनके बारे में हमें बताइए, तो मैं जरूर बताऊंगी गाइज। और गाइज आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है गाइज। और गाइज आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड गाइज बेल आइकन को तो जरूर हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। मिलती हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कंटेंट लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय एवरीवन।